डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर टू, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो चीज़ें हैं, नेल्सन मंडेला है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या संघर्ष किया, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनके साथ में कौन कौन से लोग थे अंत तक, जिन्होंने बहुत ही स्वामी भक्ति और देश प्रेम के साथ एक दूसरे का साथ दिया। वेल, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल सी, बिफोर यू रीड, वन हेडिंग इज़ देयर इन दिस हेडिंग, जस्ट इट इज़ समथिंग इंट्रोडक्शन अबाउट द लेसन। चलिए देखते हैं क्या है। अपार्थीड is a political system that separates people according to their race। यहाँ पर बताया जा रहा है कि apartheid एक ऐसा political system है जो कि लोगों को अलग करता है एक दूसरे से on the basis of their race, यानी उनके color के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर। फिर यह है कि can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ही ऐसा था अपार्थीड सिस्टम। फिर ये कह रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आप नेल्सन मंडेला को जानते हैं? तो बच्चों, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी अश्वेत राष्ट्रपति। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, और उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके माध्यम से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया इस पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता था जाति और रंग के आधार पर। यहाँ यह बता रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को जो है 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फिर प्रजातंत्र आया और वहाँ पर इलेक्शन हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला जो है एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत का मतलब यहाँ ब्लैक से है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये लेसन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना के विषय में बता रहे हैं। इस लेसन में जिस घटना का वर्णन किया गया है वो ऐतिहासिक थी, द इनॉग्रेशन। और वो कौन सी घटना थी? उद्घाटन, यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसको उन्होंने इनॉग्रेशन का नाम दिया है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, तो ओकेजन अवसर वही है जब वो उन्होंने पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली साउथ अफ्रीका के। इस अवसर पर जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने महसूस किया, वही बातें जो है इस लेसन में समझाई गई हैं और बताई गई हैं। ये यहाँ पर BBC न्यूज़ का एक आर्टिकल दिया हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। चलिए देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या था। आर्टिकल में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं आफ्टर मोर दैन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल मतलब 300 शताब्दियों तक अंग्रेज लोग वहाँ पर शासन करते रहे, और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो है राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यहाँ ये बता रहा है कि नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट्स जीती। 400 जो टोटल सीट्स थी संसद में,
जो 400 सीटें थी उनमें से 252 सीटें उनकी पार्टी ने जीती, और ये इलेक्शन जो पहली बार हुए थे प्रजातांत्रिक इलेक्शंस साउथ अफ्रीका में, ये एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये बता रहा है कि इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में हुआ जो प्रिटोरिया में स्थित है आज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरी, और जिसमें कि बहुत सारे बड़ी बड़ी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां यानी फेमस लोग जो है आए, पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ आए अलग अलग देशों से, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से यानी 140 देशों से लगभग। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और ये नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है कि अब फिर कभी जो है साउथ अफ्रीका की धरती पर कोई एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड दैट द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यहाँ पर बता रहा है कि जुबिलेंट्स यानी बहुत खुश थे, यानी बहुत सुंदर दृश्य था, खुशनुमा दृश्य कह सकते हैं प्रिटोरिया की गलियों में, जिसमें कि सभी तरह के लोग थे, काले सफ़ेद यानी अंग्रेज थे, नीग्रो लोग थे, और कलर्ड पीपल जैसे इंडियंस होते हैं, सभी साथ साथ इस उत्सव को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। कह रहा है कि 1 लाख से भी अधिक जो है साउथ अफ्रीका के पुरुष और स्त्रियां जो हैं वो और बच्चे सब एक साथ गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे, खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना था और उससे उन्होंने आशा की थी कि वह किसी बिना किसी भेदभाव के सबको समान न्याय और व्यवस्था देगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि 10 मई की सुबह जो है बहुत ही प्यारी और सुहावनी थी। यहाँ डॉन का मतलब मॉर्निंग से है, डॉन का मतलब 10 मई की जो सुबह हुई वो बहुत ही प्यारी और सुहावनी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वह बहुत सारे राजनीतिज्ञों और फेमस पर्सनैलिटीज से घिरे हुए थे, यानी एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था। प्लीजेंटली बिसीज्ड यानी बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे लेकिन उनको अच्छा लग रहा था। यहाँ जैसा कि प्लीजेंटली बिसीज्ड जो है, प्लीजेंटली मानी खुशी से और बिसीज माने घिरे हुए थे, यानी बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे। हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। जो लोग मतलब ये जो राजनीतिज्ञ और फेमस पर्सनैलिटी जो आ रही थी वो अपना सम्मान देने के लिए आ रही थी उद्घाटन के दौरान या उद्घाटन से पहले। किस चीज़ का उद्घाटन था? शपथ ग्रहण समारोह, यानी अफ्रीका के नए प्रजातंत्र का उद्घाटन था, नए प्रजातंत्र की शुरुआत थी। और ये सारे जो विश्व प्रसिद्ध जो नेता और राजनीतिज्ञ थे ये सब अपना सपोर्ट देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। यहाँ ये नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो उद्घाटन समारोह है, नए प्रजातंत्र का जो उद्घाटन समारोह है, वो बहुत लार्जेस्ट गैदरिंग यानी इस उद्घाटन समारोह में सबसे ज़्यादा मात्रा में पहली बार लोग इकट्ठा होंगे साउथ अफ्रीका की धरती पर, वो भी अलग अलग देशों से जो आए हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। वो बताते हैं कि जो सेरेमनीज है यानी जो उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो लवली सैंडस्टोन यानी प्यारी सी बलुआ पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग जिसका नाम था एम्फीथिएटर वहाँ पर हुआ। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स का एक भाग थी प्रिटोरिया में, इन प्रिटोरिया यानी यूनियन बिल्डिंग्स जो प्रिटोरिया में स्थित है उसके एक भाग में एम्फीथिएटर है जहाँ पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दशियों
सदियों से जो है यह जगह जो है अश्वेत सॉरी अंग्रेजों के अधिकार में रही। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब है अंग्रेजों के अधिकार में रही, यानी यहीं से अंग्रेजों ने पूरे साउथ अफ्रीका पर शासन चलाया। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, और वो बताते हैं कि अब यहाँ पर एक रेनबो गैदरिंग यानी हर रंग के लोग थे। जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं 7 रंग के, उसी तरह वो बताते हैं कि हर रंग और जाति के लोग यहाँ पर आए हुए थे उस उद्घाटन समारोह में, एंड नेशंस और अलग अलग देशों से, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन का मतलब है शुरुआत से है, इंस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना पहली बार। जैसे हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो उसी तरह यहाँ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज डेमोक्रेटिक, पहली बार जो है साउथ अफ्रीका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, यानी कि इस गवर्नमेंट में इस सरकार में बिना किसी भेदभाव के यानी रंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने वाला था। बच्चों एमपी थिएटर के विषय में हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो गोल होती है, जहाँ पर ऊंचाई पर सीटें लगी रहती हैं और बीच में एक गोल गोल मैदान होता है जहाँ पर किसी भी अवसर पर कोई प्रतियोगिता या कोई भी समारोह होता है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस दिन यानी उद्घाटन समारोह के दिन उनके साथ में उनकी बेटी थी जनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट ऑन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो बताते हैं कि स्टेज पर यानी माइक पर जो है पहले मिस्टर डी क्लार्क आए, उनको शपथ दिलाई गई साउथ अफ्रीका के सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो मेबेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर मिस्टर डी क्लार्क के बाद जो है थाबो मेबेकी को जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, वो बताते हैं कि जब उनकी आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने शपथ ली साउथ अफ्रीका के संविधान को सम्मान देने की, उसकी बात मानने की और उसको ऊपर रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और उन्होंने ये भी शपथ ली कि मैं जो है इस नए गणराज्य और उसके लोगों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित रहूँगा। डिवोट माई सेल्फ का होता है पूर्ण रूप से समर्पण, वेल बींग का मतलब हो गया भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वो कहते हैं कि जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जो मेहमान आए हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड से यानी कि जो लोग टीवी स्क्रीन पर यह समारोह देख रहे थे, उन्होंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई अवर प्रेजेंस हेयर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। नेल्सन मंडेला का जो भाषण है वो कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि आज हम सारे लोग अपनी उपस्थिति के द्वारा, बाय अवर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर ग्लोरी एंड होप, यहाँ कॉन्फर का मतलब गिव से है, देने से है, तो सम्मान और आशा दे रहे हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नए प्रजातंत्र का, जिस नए प्रजातंत्र का जन्म हुआ है, आज सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर उस नए प्रजातंत्र को सम्मान और आशा की राह दिखाने के लिए आए हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो मानवीय यातनाओं का लंबा दौर चला, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से का मतलब है मानवीय यातनाओं का लंबा समय, यानी जेलों में बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक जो है सताया गया, उस अनुभव के आधार पर वो कहते हैं कि मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे नए समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि
जो अत्याचार उन्होंने सहा और उनके साथियों ने सहा एक बहुत लंबे समय तक, उस अत्याचार के बाद जो है हम लोग एक ऐसे नए समाज का निर्माण करेंगे जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, वो कहते हैं कि हम लोग अभी बहुत दिनों ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी उन लोगों को अपराधी माना जाता था, आउटलास्ट का मतलब यहाँ अपराधी से है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज उन्हीं लोगों को जिनको कि अपराधी माना जाता था एक दुर्लभ सम्मान दिया गया है। रेयर प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार से एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि अपनी ही धरती पर जो है वो आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम उन सभी सम्मानित विश्व के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो आए और हमारे देश के लोगों के साथ साथ बैठे इस महान सुअवसर पर, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये अवसर जो है दर्शाता है कि आज न्याय शांति और मानवीय सम्मान की विजय हुई है। यानी नेल्सन मंडेला आए हुए प्रतिनिधियों को जो विश्व के कई देशों से आए हैं उनको सम्मान और आदर दे रहे हैं कि वो आए साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ बैठकर इस अवसर का आनंद ले रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अंततया हमने जो है अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम से है, स्वतंत्रता से है, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, और हम स्वयं से शपथ लेते हैं यानी खुद से वादा करते हैं टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराएंगे, किससे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि वो जो है शपथ लेते हैं, स्वयं से वादा करते हैं कि अपने लोगों को गरीबी, समान अधिकार, सफरिंग अत्याचार, जेंडर एंड अदर्स, और जाति और लिंग के आधार पर जो दूसरे भेदभाव हैं, रंग के आधार पर, उन सब से वह अपने लोगों को स्वतंत्र कराएंगे। यानी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति बनने के बाद खुद से वादा करते हैं कि वह अपने लोगों को पूरी तरह से आज़ादी दिलाएंगे, हर चीज़ से, आर्थिक आज़ादी, सोच की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी दिलाएंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज का सूर्य जो इतना चमकीला है और मानवीय उपलब्धि को दर्शाता है, इसके पहले इतनी सुहावनी सुबह कभी नहीं महसूस करी उन्होंने। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो कहते हैं स्वतंत्रता का राज्य हो, ईश्वर साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आईज इन आव एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर करी और आश्चर्य से देखा, स्पेक्टेकुलर एक बहुत ही शानदार दृश्य था आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर्स और सेना के ले जाने वाले, सेना को ले जाने वाले हवाई जहाज़ों का। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और वो दहाड़ थे यानी एकदम साथ साथ उड़ रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर ये समारोह चल रहा था। जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो परेड होती है और हवाई जहाज़ ऊपर आसमान में रंग बिरंगे कलरफुल
धुआं छोड़ते हैं, उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी शपथ ग्रहण समारोह के समय का दृश्य था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन, वह कहते हैं कि यह सेना के सटीक तरह से काम करने का सिर्फ प्रदर्शन नहीं था। यहाँ पिन पॉइंट प्रेसिशन का मतलब है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर, बिना इधर उधर भटकाव के, एंड मिलिट्री फोर्स और सेना की ताकत का। बट अ डिटर्मिनेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह जो है सेना के नए प्रजातंत्र के प्रति स्वामी भक्ति का भी प्रदर्शन था। यानी अब जो है सेना नए प्रजातंत्र के अनुरूप कार्य करेगी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति जिम्मेदार होगी, जवाबदेह होगी। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ऐसी सरकार यानी ऐसा प्रजातंत्र जो स्वतंत्र रूप से और एकदम सही तरीके से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि थोड़ी ही देर पहले, कुछ ही क्षणों पहले, द हाइएस्ट जनरल्स साउथ अफ्रीका की सेना के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, जिनके सीने पर मेडल्स और रिबन्स सुशोभित हो रहे थे यानी सजे हुए थे, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं बाईं तरफ जो है उनके मेडल्स और रिबन्स लटके होते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि वो बहुत हायर पोस्ट के हैं। दियर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, यानी पुराने दिनों में उनको ये सम्मान मिले थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया यानी कि नमस्कार किया और अपनी स्वामी भक्ति का वादा किया यानी स्वामी भक्ति की शपथ खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था यानी मैं भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, कि अगर बहुत सालों पहले की बात करें तो उन्होंने मुझे सैल्यूट न किया होता, बट अरेस्टेड मी, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लिया होता यानी गिरफ्तार कर लिया होता। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कुछ सालों पहले जब उन्हें क्रिमिनल माना जाता था यानी साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनको अपराधी माना जाता था, और इस वजह से नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अगर कुछ साल पहले ऐसा होता तो वह मुझे सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और फिर बताते हैं कि अंत में जो है एक एम्पाला जो है एक टाइप के जो हवाई जहाज होते हैं उनका एक झुंड वी आकार में उड़ रहा था, और उस झुंड से यानी उन हवाई जहाज़ों से काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे यानी गोल्डन कलर के धुएं निकल रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के नए झंडे के प्रतीक थे यानी नेशनल फ्लैग का प्रतीक थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाई प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वह दिन जो है उनके लिए प्रतीक स्वरूप रहा जब दो नए नेशनल एंथम्स यानी राष्ट्रगीत बजाए गए, एंड द विज़न ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो अंग्रेज़ों का जो नेशनल एंथम था जिसके बोल थे नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो नीग्रो लोग थे जो अश्वेत लोग थे उनका जो नेशनल एंथम था दाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक का पुराना राष्ट्रीय गीत। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम्स,
वो बताते हैं कि दोनों ग्रुप यानी जो अंग्रेज लोगों के जो ग्रुप थे जो उन अपना राष्ट्रीय गीत गाने वाले थे और जो निग्रो लोग जो अपना राष्ट्रीय गीत गाने वाले थे, किसी को भी लिरिक्स यानी किस तरह की धुन होनी चाहिए किसी को भी नहीं पता था। और वो कहते हैं लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी दोनों लोग श्वेत लोग और अश्वेत लोग एक दूसरे के राष्ट्रीय गीतों का घृणा करते थे। डिस्पाइज्ड का मतलब यहाँ घृणा से है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और उन्होंने आशा करी कि जल्दी ही दोनों लोग जो है यानी श्वेत और अश्वेत दोनों एक दूसरे के राष्ट्र गीतों को दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं जो है भाव विभोर हो गया कि एक इतिहास रचा जा रहा था उस दिन। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th यानी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, फ्यू ईयर्स आफ्टर का मतलब कुछ वर्षों बाद, जब बिटर एंग्लो बोर वॉर, जो एंग्लो बोर वॉर जो है युद्ध एंग्लो और बोअर्स के बीच में जो ख़त्म हो गया था, बहुत कड़वा युद्ध रहा यानी कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, यानी ये एंग्लो बोर वॉर जो है अंग्रेजों के ही बीच में युद्ध हुआ था, दो पक्ष बन गए थे, और उस युद्ध के बाद जो है साउथ अफ्रीका के अंग्रेजों ने जो है आपस में समझौता कर लिया। ये पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस का मतलब आपस में समझौता कर लिया, अपने मतभेद भुला दिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत करी जो कि रेशियल डोमिनेशन से ग्रस्त था, यानी कि नस्लीय भेदभाव, काले और गोरे का भेदभाव लेकर सिस्टम बनाया गया, और यह सिस्टम जो है अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, यानी कि काले लोगों के विरुद्ध था। ये जो रेशियल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया वो काले लोगों के विरुद्ध था जो कि अपनी ही धरती पर अजनबियों की तरह रहने को मजबूर थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमैन, जो रेशियल डोमिनेशन का ढांचा तैयार किया गया था वह उस सबसे खराब और अमानवीय समाज का प्रतीक था द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी समाज में जितने भी अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा विशेषतया, उनमें से यह सबसे खराब था। यानी नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अंग्रेजों ने अपने मतभेद भुलाने के बाद काले लोगों के प्रति एक ऐसा रवैया अपनाया जो कि बहुत ही अमानवीय और दर्दनाक रहा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, एंड माई ओन 8th decade एज ए मैन, और जब वो 80 साल के हो गए, द सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए वो जो सिस्टम बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा यानी श्वेत लोगों द्वारा अश्वेतों के ऊपर अत्याचार का, उसको एकदम से नष्ट कर दिया गया यानी हटा दिया गया हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और एक ऐसा सिस्टम यानी ऐसे प्रजातंत्र का उदय हुआ जिसमें सभी के अधिकारों का सम्मान था, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि वो गोरे हैं या काले हैं, इसका विचार किए बिना सबके लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया गया इस नए प्रजातंत्र के साथ। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि यह जो अवसर आज का है उद्घाटन के समारोह का,
वह साउथ अफ्रीका के लोगों के अकल्पनीय बलिदान के बाद आया है, यानी कि हजारों साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और उसके बाद यह दिन देखने को मिला। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एज और रीपेड, यानी उन लोगों के जो साहस की तुलना नहीं की जा सकती, यानी अफ्रीका के लोगों ने इतने अत्याचारों को सहने के बावजूद वो टूटे नहीं और अंत तक लड़ते रहे, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती या उसको रीपे नहीं किया जा सकता, यानी उसकी उसके बदले कुछ और नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि और भी दिन उन्होंने महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि वह जो है सभी साउथ अफ्रीका के लोगों जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया उसका प्रतीक थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर खड़े थे, यानी साउथ अफ्रीका के हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि के रूप में नेल्सन मंडेला उस दिन वहाँ शपथ ग्रहण कर रहे थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, यानी वो जो साउथ अफ्रीका के हजारों स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप यह दिन देखने को मिला और अब नेल्सन मंडेला एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, नेल्सन मंडेला को दुख हो रहा था कि वह उनको धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन हजारों बलिदानी लोगों की जानों के बावजूद जान जाने के बाद जो मिला वह खुशी तो लाया लेकिन उनको दुख भी हो रहा था कि वह लोग जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया वह आज उपस्थित नहीं हैं इस सुअवसर पर कि वह देख सकें कि उनके बलिदान के बाद आज क्या मिला है साउथ अफ्रीका के लोगों को। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो अपार्थीड यानी कि रेशियल डोमिनेशन की जो पॉलिसी था उससे साउथ अफ्रीका के लोगों में एक गहरा और काफ़ी दिनों तक परेशान करने वाला घाव हो गया था, यानी उनकी आत्मा और शरीर दोनों दुखी थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग काफ़ी दिनों तक यह दुख झेलते रहेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियां नहीं लगेगी तो फिर भी वर्षों लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्राम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी उस दुख से उबरने में जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन लोगों को हुआ, यानी अत्याचार के जो घाव यानी उनकी आत्मा पर जो दर्द का प्रभाव हुआ उससे उबरने में उनको वर्षों लग जाएंगे। यहाँ प्रोफाउंड हर्ट का मतलब है गहरा घाव, प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, हर्ट मीन्स घाव यानी कि दुख। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी एंड हैड एन अदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दशकों तक अत्याचार और बर्बरता का जो दौर चला उसका एक और भी प्रभाव रहा, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर थाम्बो द वॉल्टर सिसुलस द चीफ लिथुलिस द यूसुफ दादूज द ब्रैम फिशर्स द रॉबर्ट्स सोबोक्यूज ऑफ आवर टाइम। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन अत्याचारों को सहने के बाद महान हस्तियों का यानी कि बहुत साहसी और गंभीर लोगों की एक जमात तैयार हुई जिनमें ये लोग थे, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, यानी कि ये ऐसे लोग थे जिनके
पास असाधारण साहस था, विजडम एंड जेनरोसिटी बुद्धि थी और दयालुता थी। दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, ये ऐसे लोग थे कि ऐसा लगता था कि ऐसे लोग शायद ही फिर कभी भविष्य में पैदा हों। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसे साहसी और वीरों का जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है, और ये तभी होता है जब गहरे अत्याचार हों और उनको सह करके, उनसे उबर करके मनुष्य योद्धा के रूप में खड़ा हो जाए। यहाँ पर नेल्सन मंडेला के कहने का अर्थ है कि जैसे सोना तपने के बाद और चमकने लगता है, वैसे ही मनुष्य जो है विपत्तियों का सामना करके एक विजेता के रूप में उभरता है और वह और ज़्यादा साहसी और बलशाली हो जाता है। My country is rich in minerals and gems। नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरा देश धनी है हीरे जवाहरात से। That lie beneath its soil, जो कि इसकी धरती के अंदर हैं। But I have always known, लेकिन मुझे हमेशा से यही पता रहा है, that its greatest wealth is its people, कि इसके सबसे धनी संपदा जो है इसके लोग हैं। यानी किसी देश की जो असली संपदा है, असली धन है, वह उसके लोग हैं। Finer and truer than the purest diamonds, और वो ऐसे लोग थे यानी वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया देश को स्वतंत्र कराने के लिए, वह सबसे ज़्यादा प्योर डायमंड से भी ज़्यादा शुद्ध और बलशाली हैं, यानी कॉस्टली हैं, वैल्यूएबल हैं। यानी नेल्सन मंडेला का कहने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका में जो हीरे जवाहरात धरती के नीचे दबे हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा बहुमूल्य यहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया, अपने सुख दुख का त्याग कर दिया और डटे रहे कि जब तक उनका देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वो झुकेंगे नहीं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला कहते हैं इन्हीं साथियों, इन्हीं नेताओं से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने सीखा कि साहस का असली मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमन, उन्होंने बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों को देखा, रिस्क, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और उन्होंने एक विचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया यानी स्वतंत्रता के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, उन्होंने देखा, बताते हैं कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं अत्याचार के विरुद्ध खड़े रहे, बिना टूटे, बिना झुके, शोइंग अ स्ट्रेंथ, और अपनी आत्मबल का परिचय दिया, एंड रेजिलियंस, और साहस का, सहनशीलता का। That defies the imagination, यानी कि ऐसा साहस और सहनशीलता शायद ही देखने को मिले, यानी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। I learned that courage was not the absence of fear। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने सीखा कि साहस होने का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं है, भय नहीं है, but the triumph over it, बल्कि जो अपने भय पर काबू कर ले यानी भय पर विजय प्राप्त कर ले वही साहसी होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, साहसी मनुष्य वह नहीं जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, बल्कि वह है जो डर को जीत लेता है। बच्चों, जैसा कि एक एडवर्टीजमेंट भी आता है डर के आगे जीत है, तो ये उसी से लिया गया है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मनुष्य जो है एक दूसरे को घृणा करने की इच्छा के साथ नहीं पैदा होते हैं कि उनको रंग के आधार पर या उनकी परिवार के आधार पर घृणा करें, और his religion या धर्म के आधार पर। People must learn to hate, and if they
कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोग घृणा करना सीखते हैं और अगर वो घृणा करना सीखते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। वो कहते हैं कि प्यार की भावना मनुष्यों के हृदय में बहुत आसानी से पैदा की जा सकती है बजाय घृणा के। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सबसे ख़राब दौर के समय भी, ग्रिमेस्ट टाइम्स का मतलब सबसे ख़राब दौर, जेल में जब उनका सबसे ख़राब समय रहा, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पोस्ड टू आवर लिमिट्स, जब उनके ऊपर अत्याचारों की सीमा पार हो गई, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो वो कहते हैं कि मैंने जो है मानवता की एक झलक वहाँ जेल में जो गार्ड्स थे उनके अंदर देखी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वह थोड़ी ही देर के लिए थी, बट इट वॉज एनफ टू री अश्योर, लेकिन यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी उनको, एंड कीप मी गोइंग, कि वह आगे बढ़ते रहें, जरूर एक न एक दिन उनको सफलता मिलेगी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिस जो छिप तो सकती है लेकिन वो बुझ नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में दो तरह की बाध्यताएं होती हैं, यानी दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरी जिम्मेदारी उसकी समाज के प्रति होती है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। हर मनुष्य जो है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी चाहत और योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, एक निग्रो के लिए, यानी कि एक अश्वेत आदमी के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना असंभव था, यानी परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है और समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, वह काले लोगों के लिए पूरा करना असंभव थी। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर किसी अश्वेत ने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करी तो उसको दंडित किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। आइसोलेटेड का मतलब जेल में डाल देने से है, यानी अकेला रखना। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनइविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक मनुष्य जिसने कोशिश करी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अपने लोगों के प्रति, उसको निश्चित रूप से उसे परिवार से अलग कर दिया जाता था। रिप्ड फ्रॉम का मतलब होता है अलग कर देना, हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड हिज होम अपने और अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और एक अकेली जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन का मतलब हो गया, यानी उस मनुष्य को बाध्य कर दिया जाता था कि वो अकेले में रहे, छिप कर रहे, और यह इच्छा जो है अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने की इच्छा उसके अंदर दबी रहे। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, ट्विलाइट मीन्स होता है हल्की सी रोशनी, जैसे चांदनी रात, शाम के समय और रात होने से पहले जो है जो रोशनी होती है उसको ट्विलाइट बोलते हैं। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, यानी कि जो मनुष्य है
साउथ अफ्रीका में हर अश्वेत को संघर्ष करना पड़ता था, रेबेलियन मतलब उग्रवादी की तरह। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शुरुआत में मैंने देश को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करी, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से पूरा करने के लिए रोका गया। एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वह जो है स्वतंत्रता की भावना के साथ नहीं पैदा हुए थे, यानी बचपन में उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें स्वतंत्र होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, उनको उनका मानना था कि वह स्वतंत्र पैदा हुए हैं, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र हैं। दैट आई कुड नो, जो उनको पता थी, यानी कि उन्हें पता था कि वो हर रूप से स्वतंत्र हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ सकते हैं वो। नियर माई मदर्स हट, जो उनकी माँ की झोपड़ी के पास थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी के पानी में तैर सकते हैं। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो उनके गाँव से होकर के बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रात में वो मक्की के भुट्टे भून सकते थे, एंड राइस और चावल, एंड ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बड़े बड़े बैल थे उनकी पीठ पर बैठ करके वो मटर गश्ती कर सकते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब वो बताते हैं कि जब तक उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने समाज की रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करी। अबाइडेड का मतलब होता फॉलोड, यानी कि नियमों को मानने की इच्छा रखी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक उनको जो है मनुष्यों और ईश्वर के कानून के द्वारा सताया नहीं गया, यानी कि वह सब कुछ कर सकते थे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, यह तब उनको पता चला कि उनकी जो बचपन की जो स्वतंत्रता थी वह एक भ्रम था, यानी उनको बचपन में जो पता था कि वह स्वतंत्र हैं वह एक भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड, जब उन्हें पता चला एज ए यंग मैन, जब वो युवा हुए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि उनकी स्वतंत्रता उनसे पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तब वो जो है इसके लिए प्रयास करने लगे। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरुआत में वह स्वतंत्रता सिर्फ अपने लिए चाहते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, यानी क्षणिक स्वतंत्रता, ट्रांजिटरी का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए। फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी जब वो विद्यार्थी थे तो उनको उनका मानना था कि अगर वह देर रात तक अपने घर के बाहर रुक सकते हैं, यानी जा सकते हैं, तो वह स्वतंत्र हैं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, यानी जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, पढ़ सकें तो वह स्वतंत्र हैं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ जाना चाहें वो जा सकें तो वह स्वतंत्र हैं। लेटर, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक युवा के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। वो यर्न्ड का मतलब है व्यग्र होना, बेसब्री से चाहना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी जो मूलभूत स्वतंत्रता थी और सम्मानजनक, सम्मानित जीवन जीने की जो स्वतंत्रता थी, उसके लिए वह प्रयास करने लगे। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी कि अपनी काबिलियत के साथ वो काम कर सकें, अपना धन कमा सकें परिवार को रखने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार बना सकें। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, यानी वो ऐसी स्वतंत्रता की चाहत रखने लगे
कि एक सम्मानित समाज में वह सम्मानित रूप में सम्मानित मनुष्य के रूप में जीवन बिता सकें। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन फिर उन्होंने देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई फ्री, कि वह सिर्फ वही स्वतंत्र नहीं थे, यानी उन्हीं की स्वतंत्रता नहीं छीनी गई थी, बल्कि बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि उनको पता चला कि उनके भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, सिर्फ उन्हीं की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर आदमी की स्वतंत्रता बाधित थी, यानी हर आदमी की स्वतंत्रता छीन ली गई थी जो उनकी तरह दिखते थे। दैट इज वेन, यह तब पता चला, आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो बताते हैं कि यह तब हुआ, यानी कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर उठकर लोगों की स्वतंत्रता के विषय में सोचना शुरू किया जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी, टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ और गौरव के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी ने उनके जीवन को रूपांतरित किया, यानी इसी इच्छा ने कि वह और उनके लोग एक सम्मानित और गौरवपूर्ण जीवन बिता सकें। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इंटू अ बोल्ड वन, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो विचार था स्वतंत्रता का, उसने एक डरे हुए युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि एक कानून मानने वाले वकील को एक अपराधी के रूप में बदल दिया, यानी कि पहले वो कानून को माना करते थे, वकालत करते थे, अब वो एक अपराधी के रूप में परिवर्तित हो गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, वो बताते हैं कि इस स्वतंत्रता के विचार ने एक परिवार को प्यार करने वाले पति के रूप के बजाय एक ऐसे आदमी के रूप में परिवर्तित हो गए जो कि अकेला बिना घर के रहने लगा। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं दूसरों से ज़्यादा गुणी या पवित्र नहीं हूँ, यानी कि दूसरों से ज़्यादा बड़ा उनका बलिदान नहीं है। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom, वो कहते हैं कि बल्कि जो थोड़ी सी स्वतंत्रता उनको मिली थी उसका भी आनंद वह नहीं उठा सके। पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम का मतलब है यहाँ थोड़ी सी स्वतंत्रता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब उनको पता चला कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता एक अदृश्य विचार है। The chains of anyone on anyone of my people were the chains on all of them, उनका मानना था कि अगर उनका एक भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है उनके समाज का, तो यानी इसका मतलब है कि समाज के सभी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हैं। The chains on all my people were the chain on me, उनका मानना था कि अगर सारा समाज स्वतंत्र नहीं है तो वह भी स्वतंत्र नहीं है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, उनका मानना था कि जो अत्याचार कर रहा है उसको भी स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, और जो अत्याचार सह रहा है उसको तो स्वतंत्र होने की ज़रूरत है ही। A man who takes away another man's freedom, एक मनुष्य जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है, is a prisoner of hatred, वह घृणा का दास है, गुलाम है, वह घृणा का गुलाम है। He is locked behind the bars of prejudice, वह पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, यानी जो मनुष्य दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और घृणा का गुलाम है।
एंड नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण विचारों का गुलाम है। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह से है, नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्ण विचार। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, यह उसी तरह है जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, और जो व्यक्ति मेरी स्वतंत्रता को छीनता है वह भी फ्रीडम फ्री नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, यानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों से मानवीय भावों को छीन लिया गया है। यानी नेल्सन मंडेला का कहना है कि जो व्यक्ति अत्याचार करता है वह संकीर्ण विचारों का, घृणा का और पूर्वाग्रह का दास है, यानी गुलाम है, और जो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता, वह भी गुलाम है, क्योंकि वह अपने विचारों को अपने अनुसार नहीं जी सकता और उसे दूसरे की इच्छाओं का पालन करना पड़ता है, इसलिए वह गुलाम है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप द लेसन इज क्लियर टू यू ऑल। आई हैव ट्राइड टू गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड एंड एक्सप्रेशन, एंड होप दैट दिस विल हेल्प यू टू स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। At the last, I would say that if you like this or video, so please share, subscribe and like, and do not forget to press the bell icon for the information of upcoming video. Thanks once again.